इतना लोग बोलते थे कि क्या कर रहे हो, तुमसे कम एज के बच्चे कमाने लगे, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मतलब बहुत सुनने को मिलता था सर। तो हम हताश हो जाते थे यार कि अब छोड़ दें क्या, नहीं हो पाएगा। और सर वैकेंसी भी बहुत कम आती थी, मैं तो हताश हो चुका था। यही दिसंबर मेरा लास्ट था दिल्ली पुलिस, अगर इसमें होता ठीक है, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ के, पापा तो हमारे किसान ही थे। तो उन्होंने बोला यार जिसके लिए तुम मेहनत किए हो 5 साल 6 साल अगर तुमको मिल रहा है तो उसको करो, बाकी जो कमी रहती है उसको तुरंत मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ बेस्ट टीचर दिस सब्जेक्ट या दिस टॉपिक, और वही पढ़ लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर नहीं करता सर कि फालतू में इधर पड़ा रहूँ उधर। और अगर आपका वीडियो मिल जाता है तो समझ लीजिए कि मन चाह वीडियो मिल गया। और आपका मिल जाता है, आप लगभग सर हर टॉपिक पे वीडियो, सारे टॉपिक के हैं। हाँ हाँ सर, बहुत बेसिक से, मतलब मुझको जैसे चाहिए, मतलब जो हमको चाहिए था वही आप दे दिए समझ लीजिए। हमारे भैया भी बहुत, मतलब हमको कहते थे कि ईमानदार रहो, सिलेक्शन ना होगा तो बहुत से ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। और गारंटी अगर आप सब सर का हाफ ही 50% कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब इतनी टफ नहीं है। मैं एक एग्जाम क्वालिफाई किया होता तो चलो ठीक है, तुक्के से नौकरी लग गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, और मैं यही बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब उतना टफ नहीं है जितना सर का मेहनत टफ है। यस, आ जाओ। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम, बैठो। सर ऑनलाइन आपको बहुत देखे थे लेकिन आज अच्छा ऑफलाइन देखने का मौका मिला, एक बार आशीर्वाद दीजिए। बस बस, खुश रहो। सर मैं विजय पांडे नाम है मेरा, मैं प्रयागराज से हूँ सर। प्रयागराज से? हाँ सर, इलाहाबाद से। और सर मैं कल आया हूँ यहाँ पे, और मेरा इंदौर में तो कोई था नहीं परिचित। तो सर मेरा दोस्त एक फिजिकल एकेडमी एमपी पुलिस में, उसका क्वेश्चन 80 सही है। मैं भी एमपी पुलिस का एग्जाम दिया हूँ सर। अच्छा। और मेरे 85 क्वेश्चन सही हैं। अरे वाह। और सर मैं दिल्ली पुलिस का भी क्वालिफाई हूँ लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। सीआईएसएफ फायरमैन मैं सर इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि इसमें सर ड्यूटी नहीं रहती है, जॉब का प्रेशर नहीं रहता, साथ में मैं पीसीएस की तैयारी कर सकूँ। ओके। और सर इसके पहले मैं एसएससी जीडी 2 बार क्वालिफाई हूँ। और सर मैं बताऊँ मेरा करियर, तो मैं पहले मेंसुरेशन से बहुत डरता था, एडवांस मैथ से। सर मैं जब आप एक व्हाइट बोर्ड पे मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट कराएं बेसिक से, मैं सर उन क्लासों को देख के अपने मेंसुरेशन का डर, बहुत पुरानी क्लास है, बहुत पुरानी क्लास है सर। और सर मैं यही सोचता था कि अगर इंदौर कभी जाऊँगा, जाना हुआ तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी इंदौर में ही दे दिया। अरे वाह। और मैं पहले सोचा कि सर आपसे मिलके तब ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री करूंगा। 24 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है कल से। अच्छा, कल से। और सर मैं पहले सुबह आया, एकदम मुंह नहीं धुला था, पहले मैं आया आपके यहाँ पे कोचिंग पे पूछ पूछ के कि बीनर्स अकेडमी कहाँ है बताएं, लोग भावर कुआ चौराहे पे। तो मैं यहाँ पे आया तो मैम बोले कि सर तो अभी नहीं मिल पाएंगे। तो मैं बोला मैम अगर मिल जाए एक बार बात कर लीजिए, तो मैं वेट करूँ तो बताएं सर कि हाँ मिल जाएंगे, बात आपसे हो जाएगी सर से मुलाकात। अच्छा। इसलिए मैं सर वेट कर रहा था कब से, आपसे मिल लिया, बहुत अच्छा लगा। अरे वाह। मतलब एसएससी जीडी 2 बार फाइनल सिलेक्शन हाँ है लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन नहीं किया सर। दिल्ली पुलिस भी फाइनल सिलेक्शन हाँ है पर उसमें भी नहीं गए। अच्छा। और अब सीआईएसएफ फायरमैन। और सर सीआईएसएफ फायरमैन में सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, 100 में मेरा 96 नंबर है, ऑल इंडिया 7th रैंक है मेरा सर। अरे वाह। इसलिए मैं सर इस जॉब को कर रहा हूँ। और ये जॉब इसमें यही है सर बताया कि इसमें पढ़ने का टाइम मिलेगा, और पुलिस पुलिस में सर स्टैंड ड्यूटी रहता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। उद्देश्य सर थोड़ा कुछ और बड़ा है, इसलिए सर प्रयासरत हूँ। एमपीएसआई की वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ सर। यूपीएसआई में भी सिलेक्शन हुआ था बट मैं सर फिजिकल उजकल सब दे दिया, फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। अच्छा। हाँ सर। और एक बात, मैं सर हमेशा सोचता था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं अपना रिज्यूम लेके आपके पास आऊँगा, जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको टीचिंग के लिए यहाँ पे जॉब दे दीजिए, क्योंकि मैं सर एक दो सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाया था सर। अच्छा। भले सर मेरे पास अनुभव नहीं था लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ा के धीरे धीरे सोचता था कि सर आप, मतलब आपको, मतलब सर मैं एक टीचर के उद्देश्य से आपको नहीं देखता था। मैं जब भी ऑनलाइन आपको देखा और आपको समझा तो हमें लगता था सर आप इतने अच्छे इंसान हो, तो कहीं ना कहीं सर हमारी मजबूरियों को आप समझेंगे, और स्टूडेंट को सर आप बहुत अच्छी तरह समझते हो, ऑन द पॉइंट, मतलब क्या चाहिए क्या है, मतलब वही सब, यही सब बहुत अच्छा लगता था सर। मैं आपका मोटिवेटर जो चैनल था उसको भी मैं देखता था सर। आप अच्छा। एक टीचर के साथ साथ सर हमारे लिए बहुत से कुछ हैं सर, मैं आपको बहुत मानता था सर। और मैं भले प्रयागराज में था, वहाँ भी सर बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाई किया हूँ उसका, मतलब जीएस का बैच, लेकिन मैथमेटिक्स सर आप ही की वजह से मेरा जो भी है। अच्छा। हाँ सर, मेरी सर इंग्लिश थोड़ा वीक थी इसलिए मैं सीजीएल उजीएल नहीं दे पाया, बट मैं सर अगर मैथ जिसमें है मैथ का रोल हो, जीएस का रोल हो, हिंदी का रोल हो, उसको मैं सर कोई भी एग्जाम में आप बैठा दीजिए मैं क्वालिफाई कर लूँगा। मैथ तो एक भी नहीं गलत करूँगा, इतनी तो सर मेरी। अच्छा, क्या बात है। पहले मैथ्स बहुत वीक था। बहुत वीक था सर, मैं प्रैक्टिस बहुत किया सर, निरंतर प्रयास किया, हार नहीं माना सर।
सर मैं 2016 से तैयारी स्टार्ट किया था, 2018 से मेरा सिलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन सर वही पॉइंट से एक नंबर से कुछ नसीब का भी होता है ना सर, मैं तो हताश हो चुका था। यही दिसंबर मेरा लास्ट था दिल्ली पुलिस, अगर इसमें होता ठीक है, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं नोएडा में भी मैं रिज्यूम भेज चुका था। अच्छा। उन लोग बोले ठीक है आओ बेटा दे दो अगर पढ़ाना चाहो तो मैं अपने 2024 से यही सोचा था कि मैं पैसे कमाऊंगा, चाहे कमाना शुरू करना है सर, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो दिक्कत होती है सर, इसलिए नहीं। और फिर 4-5 साल अगर निकल जाए तैयारी को तो फिर बहुत ज्यादा समय भी हो जाता है, समय हो जाता है, कहीं ना कहीं सेटल होना जरूरी है। अच्छा है, देखो इकट्ठा रिजल्ट मिला तुमको 2024 में। सर मैं मार्ग से भटक गया सर, इसलिए कि मैं शुरू में आया था तो एनडीए की तैयारी करता था, हमें लगता था कि मैं कैप्टन बन जाऊंगा अच्छा रहेगा, मतलब होता है ना एक थोड़ा सा, तो कैप्टन विक्रम बत्रा से सर मैं बहुत प्रभावित था, तो वही मूवी वूवी देखा था तो मैं एनडीए में एडमिशन ले लिया। लेकिन सर हमें क्या पता, हमारी इंग्लिश इतनी वीक है, और सर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ के आया था, उसमें सर एसएसबी इंटरव्यू में पूरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सर, तो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक सर मैं एसएससी बैंक रेलवे की तरफ आ गया, मैं जान गया यहीं से होगा तो होगा, यही करियर है मेरा सर, और यहीं सर मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। 10 दिन बाद सर यूनिफॉर्म मिल जाएगा, अगर छुट्टी मिलेगी तो मैं सर फिर पे आऊँगा यूनिफॉर्म में। अरे बहुत खुशी होगी यूनिफॉर्म में आऊँ। और सर आप ऑफलाइन देख रहा हूँ सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन से अच्छे तो आप ऑफलाइन में दिख रहे हैं। अच्छा हाँ सर। यहाँ कितने दिनों की ट्रेनिंग है सर? यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग चलेगी 3 महीने की, उसके बाद सर हैदराबाद में चलेगी 3 महीने। अच्छा, टोटल 6 महीने की ट्रेनिंग सर। फायरमैन एक ऐसी पोस्ट है जिसको सर कमांडेंट के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, क्योंकि सर हम लोगों का थोड़ा वो वर्क हो जाता है केमिकल ट्रेनिंग का, कि किस केमिकल से आग लगेगा तो कैसे बुझाओगे। और सर मैं केमिस्ट्री से एमएससी हूँ, इसलिए सर इसमें स्कोप भी है प्रमोशन और प्रमोशन होने का सर, केमिकल का रोल है ना सर। और इसमें क्या स्टार्टिंग सैलरी रहेगी? स्टार्टिंग सैलरी सर इसका ग्रेड पे तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें सर वो जो HRA TA DA और फायर अलाउंस एक्स्ट्रा 10,000 ये सब जोड़ के सर सैलरी ठीक ठाक लगभग 50,000 इतना मिलता है। बहुत अच्छी है, उसे आपसे तो बहुत अच्छा है सर। मैं यही सोचता हूँ सर कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हो जाऊँगा जैसे सर, तो मैं ये मेरा मतलब सर सर एक मन था कि मैं भी पढ़ाऊँ, अपने आप को प्रूव करूँ कि हाँ हमारे अंदर एक क्वालिटी, जैसे आप भी सर। तो कभी पढ़ाया है तुमने? सर मैं इलाहाबाद में होम ट्यूशन पढ़ाया था बच्चों। अच्छा, क्या विषय पढ़ाते थे? मैं सर नॉर्मली उन लोगों को मतलब क्या पढ़ाने के इच्छुक हो, कि क्या पढ़ाने का मन है? मत जीएस सर, मैं जीएस बहुत अच्छे से, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी हमसे पढ़वाइए, हिंदी भी पढ़वाइए, एक कंपटीशन का तैयारी करने वाला लड़का लगभग सभी पढ़ा लेता है, सभी पढ़ा देता है। मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा पाऊंगा आपके जैसे, लेकिन और सब सब्जेक्ट इसीलिए मैं पकड़ बनाया था मैथ में नहीं, बस इसी में अगर कल्याण हो पाएगा तो ठीक है। अगर मौका मिलेगा सर कभी जॉब कभी ऐसा टाइम मिला यहाँ पे कभी कुछ, अभी तो ठीक है ट्रेनिंग करो, और कभी ऐसा समय मिला तो ठीक है तुम्हारा एक आधा सेशन रखवा देंगे। हाँ सर रखवा दीजिएगा सर। और मैं आपसे पूछने वाला भी था कि हमारे लिए क्या बढ़िया रहेगा, मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करूँ या तो मैं घर वाले से पूछा, अपने भैया से पूछा जो हमको पढ़ाए लिखाए, पापा तो हमारे किसानी थे, तो उन्होंने बोला यार जिसके लिए तुम मेहनत किए हो 5-6 साल अगर तुमको मिल रहा है तो उसको करो, नहीं तो कोचिंग वोचिंग में पढ़ाओगे नहीं बढ़िया पढ़ा पाओगे तो थैंक यू बोल देंगे, तब क्या करोगे। और इसमें हो तो एक बार सेलेक्ट हो गए तो 60 साल तक दिक्कत नहीं रहेगी। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो गांव में सर गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यू है, प्राइवेट में सर भले 2 लाख महीना कमाइए लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, प्राइवेट में 2 लाख भी कमाओगे तो भी बेरोजगार कहलाओगे। सुबह से क्या मेरी क्लासेस रहती है, फिर मेरे पास जब मैसेज आया तो मैं क्लास में ही था, ऑनलाइन क्लास में, तो फिर मैंने टाइम दिया था कि ठीक है मैं 12 बजे तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, नहीं तो यू में जनरली 2 बजे आता हूं। फिर उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग है, तो मैंने कहा चलो आज मैं जल्दी पहुंचता हूं। हाँ सर वही, और सब बच्चे एंट्री कर लिए, हमारे पास फोन भी आया था कहाँ हो कब आओगे। अच्छा। हम कहे सर से मिल के ही आएंगे चाहे जो हो जाए। आपसे मिल लिए सर, कल से चालू हो जाएगी ट्रेनिंग, मतलब आज पहुंचना है, आज एंट्री कर लेंगे सर शाम तक। कहाँ पे है ट्रेनिंग सेंटर? ट्रेनिंग सर भरहवा, जानते हैं हम तो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, उसमें भरहवा ऐसे लिखा था, इंदौर से 40 किलोमीटर दूर है सर, क्योंकि सर ड्रीम तैयारी तो अच्छी है उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं, वैकेंसी का इंतजार करते हैं बस, एक डेली मॉक दे के एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, बाकी जो कमी रहती है उसको तुरंत मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ बेस्ट टीचर दिस सब्जेक्ट या दिस टॉपिक, और वही पढ़ लेता हूँ उठा के। बहुत ज्यादा मैं इधर उधर नहीं करता सर, कि फालतू में इधर पढ़ा रहूंगा। और अगर आपका वीडियो मिल जाता है तो समझ लीजिए कि मन चाह वीडियो मिल गया, और आपका मिल जाता है, आप लगभग सर हर टॉपिक पे वीडियो, सारे टॉपिक के हैं। हाँ और सर बहुत बेसिक से, मतलब मुझको जैसे चाहिए, मतलब जो हमको चाहिए था वही आप दे दिए समझ लीजिए,
पता नहीं सर आपको कैसे पता रहता है कि इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपका तरीका सर। वो डिजिटल जो सम था सर, बताए एमपी पुलिस में सर हम तैयारी करते थे, एक पुतिन करके कमेंट करता था सर, तब भी सर मैं पढ़ रहा था आपका एनालिसिस देख रहा था, लेकिन मैं कमेंट नहीं करता था, मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता था। उसमें भी 85 स्कोर था, जबकि सर मैं एमपी पुलिस के टाइम एग्जाम के बीमार था, रीवा मेरा सेंटर था, मैं प्रयागराज से हूँ सर, तो रीवा नजदीक रहता है, तो सेंटर प्रॉपर प्रयागराज के हो या उसके आसपास कहीं? प्रयागराज से हूँ सर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। चलो कभी तुम्हारी उधर छुट्टी रही तो फिर हम घूमने आएंगे। संगम नगरी में आइए सर, आप हमको याद कर लेंगे, पूरा संगम घुमाएंगे सर, मेला भी चल रहा है कुंभ मेला। अच्छा, अगले साल 2025 में सर महाकुंभ लगेगा, बहुत टूरिस्ट आते हैं सर, फॉरेन कंट्रीज से, बहुत अच्छा रहता है। एमपी यूपी के लोग बहुत आते हैं, एमपी के बसें तो सर पूरा परेड मैदान में खड़ी रहती है। हाँ। सब लोग आते हैं, और बहुत गंगा मैया को लोग बहुत मतलब मानते हैं, बहुत पावन धरती है प्रयागराज तो। और सर एजुकेशन का हब भी बोला जाता है। हाँ। एक समय था सर 1980-90 के दशक में हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सर IPS की फैक्ट्री कही जाती थी, क्योंकि वहाँ का सर जो सिलेबस था वो मेंस में डिजाइन था, मेंस के क्वेश्चन वहीं के सिलेबस से आते थे। अब तो सर राजनीतिक तत्व ने थोड़ा सा बर्बाद कर दिया, वही छात्र नेता के चुनाव ने, एक दो इनकाउंटर हो गए, गोली बंदूक बम। अच्छा। नहीं तो सर उसका कैरियर इतना बढ़िया था यूनिवर्सिटी में, जिसका एडमिशन हो जाता था समझ लीजिए वो ऑफिसर बन गया। यही अच्छा लगा सर आपकी तरह, मैं भी अभी तो 4 एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन आप 12-13 एग्जाम क्वालिफाई किए हो इतने अच्छे अच्छे पोस्ट के। नहीं अच्छा है, आगे अभी। हाँ सर, अब एमपी पुलिस निकल ही जाएगा तुम्हारा। हाँ सर, अभी और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब इस लेवल पे तुम आ चुके हो कि जिस एग्जाम में बैठोगे। हाँ, मैं बोल दिया ना, बस इंग्लिश ना रहे बस उसमें। एमपी पुलिस में इंग्लिश का रोल जितना है उतना मैं पढ़ लूंगा, लेकिन मैं और सब जीएस और मैथ में एक भी गलत नहीं करूंगा, इसमें स्कोर कर लूंगा सर। और मैं सर एमपी एसआई या यूपीएसआई या तो सर अभी आने वाली आरपीएफ एसआई की वैकेंसी, कांस्टेबल की तो नहीं, अब एसआई के लिए मेहनत करूंगा और एमपी पीसीएस के लिए सर। अभी सर पैसे की थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं लैपटॉप एक लेने वाला हूँ, ले लूँगा सर उसको, जब सैलरी मिलेगी तब सर मैं अच्छा सा बैच लूँगा एक पीसीएस का और आराम से पढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात। अब सर जॉब प्रेशर हट गई सर, पहले एक चीज़ें 10 बार पढ़ना पड़ता था, कोई भी चीज़ एक बार पढ़ूंगा तो आ जाएगा। और अभी ज्वाइन करने में फ़ायदा है, एक जो मेंटली रिलीफ मिलेगा, फैमिली का भी एक टेंशन ख़त्म होगा, है ना, कि घर वालों को भी एक अपनी तरफ से एक सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ सर, तो मेंटल रिलैक्स होगा ना, तो फिर अगले टारगेट पे और अच्छे से फोकस कर पाओगे आराम की नौकरी। इसीलिए सर पुलिस नहीं ज्वाइन किया, उसको कर लिया और सर उसमें सम्मान, वो तो 24/7 वाला काम है पुलिस। हाँ, में चले गए तो फिर पढ़ नहीं पाओगे और पैसों के पीछे। अगर ये है कि हाँ बस अब इसी जॉब में आगे बढ़ना है तो फिर वो अच्छा है। पर अगर आगे जाने की भूख है तो फिर ऐसा जॉब, अगर ऑप्शन है तो फिर ऐसा ही चुनना चाहिए जिसमें समय मिल जाए। है कि मत सर दिन भर यही सोचता हूँ कि कितना आगे बढ़ जाऊँ, क्या कर लूँ, ये कर लूँ। सर भले ही हमारी अभी 24 कंप्लीट हो गई है, लेकिन सर मैं यही सोचता हूँ कि सर लोग आप जो सर मोटिवेशन कहते हैं ये सब सर मैं आपको देखता हूँ सर, आप इतनी कम एज में आप यहाँ तक हो, इतने में सर सबका उम्र गुजर जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि प्रयास भी करते हैं, लेकिन सर आप लोग मतलब इतने अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करके, क्योंकि सर एजुकेशन मतलब ऐसा सिस्टम है, ऐसा क्राइटेरिया है कि इसमें सर मेहनत करना और इतने अच्छे पद पे जाना बहुत बड़ी बात होती बड़ी है, बात है। क्योंकि सर इसमें हमेशा पे आदमी पे टारगेट रहता है करियर पे दाग लगने का कि तुमने फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सर आप सब कुछ से बचा के आज इतने अच्छे लेवल पे हो और बने रहोगे, और भगवान करेंगे आप बहुत आगे जाओगे, आप ऐसे हो ही सर आगे जाओगे। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, मैं सर बहुत मोटिवेट होता हूँ कि मैं भी अच्छा करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास कुछ हुआ भविष्य में, मैं भी तो बच्चों का मदद करूंगा हमसे जो हो सके। नहीं बहुत अच्छी, ऐसी ही सोच होनी चाहिए। हाँ सर, सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और जब आपको लगे तो फिर दूसरों की मदद करना शुरू करो और लोगों को आगे बढ़ाओ। हाँ सर, और लोगों में हमारे फ्रेंड जो भी है मैं सबको मोटिवेट करता हूँ। अभी हमारा फ्रेंड था वो भी हमारे वैकेंसी में था, साथ में था, वो बाहर हो गया, उसका नहीं हुआ, कम नंबर था सर, एक दो दिल्ली पुलिस में बाहर हो, लोग निराश हो गए थे कि अब नहीं पढ़ेंगे, ये कर देंगे, होता है ना सर कि होता है। तो मैं उनको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना सर, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता सर। मैं आपको धैर्य बहुत जरूरी है। इतना पेशेंस मैं रखा सर मेरे गांव में, मतलब मैं उतना पढ़ने वाला कोई नहीं था, मैं ये था तैयारी करने आया था प्रयागराज में, मेरा मतलब घर गांव वाला 20 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से, डिस्ट्रिक्ट वही है, लेकिन मैं सर वहाँ पे तैयारी करके जब गांव में जाता था महीने एक दो महीने पे, तो सर मतलब इतना लोग बोलते थे कि क्या कर रहे हो, तुमसे कम एज के बच्चे कमाने लगे, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मतलब बहुत सुनने को मिलता था सर। तो हम हताश हो जाते थे यार कि अब छोड़ दें क्या, नहीं हो पाएगा, और सर वैकेंसी भी बहुत कम आती थी। ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो, ईमानदारी मेहनत और ईमानदारी।
बस दो चीजें लेके चलो, बिल्कुल सारे सपने पूरे होंगे। हमारे भैया भी बहुत मतलब हमको कहते थे कि ईमानदार रहो, सिलेक्शन ना होगा तो बहुत से ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। सही बात, नौकरी नहीं लगी तो हमारे भैया भी एटीएम ऑडिटर हैं, प्राइवेट ही जॉब करते हैं, अच्छा खासा सैलरी है उनका, तो यही कहते थे अगर हो गया ठीक है, नहीं तो ये मत सोचो कि नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा। एक ही चीज है, एक ही ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन अच्छा हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ अच्छा नहीं ले सकते। एजुकेशन लाइन में ही आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपके आपका अनुभव काम आएगा। हाँ सर, वही 5 साल सर मैं इसी में गुजार दिया अपना। सिलेक्शन होता था लेकिन नसीब खराब थी पॉइंट से, एक तो सर जनरल कंपटीशन में हम लोगों को फाइट करना पड़ता था। तो अपने दोस्तों को क्या मोटिवेशन देते हो? दोस्तों कुछ मोटिवेशन बताओ तो हम भी यूट्यूब पे डालेंगे तुम्हारा वीडियो। हाँ सर, मैं दोस्तों के लिए बताऊं तो मैं यही उनको हमेशा बोलता हूं कि आप तो हमारा एग्जांपल देख ही रहे हैं सर, मैं कितना हताश निराश होता था, पॉइंट से कितनी बार बाहर हुआ था, तो ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग बहुत निराश हताश हो जाते होंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग हार ना मानिए, लगातार मेहनत करिए और एक चीज़ मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी गलती तभी पता चलेगी जब आप मॉक देंगे। मॉक दीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करिए, जो भी गलती हो उसको पकड़िए, उस पर काम कीजिए। सिलेक्शन अगर आपका एक नंबर से रुक रहा है, 2 नंबर से पॉइंट से, तो इतनी गलती है कि आप मॉक नहीं देते हैं, और अगर मॉक देते हैं तो आप एनालिसिस नहीं करते हैं, या तो अपने आप को समझा लेते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्ड है, लेकिन वो आएगा और फिर आप छोड़ के आएंगे और फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। मैं यही करता था सर पहले, और मैं अब यही बताऊँगा इन लोगों के लिए, अपने दोस्तों के या जो भी हमको यूट्यूब पर देखेंगे इंटरव्यू में, मैं यही बताऊँगा सर कि मॉक दीजिए, आप लोग एनालिसिस करिए और जो आपका कमजोरी है उस पर ज़्यादा काम करिए। अगर आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो गया है तो उसको थोड़ा सा कम पढ़िए, जो ना तैयार हो उसको पढ़िए। अगर आपका अगर एक बात सर, अगर आपको मैथ आता है तो सब सब्जेक्ट अपने आप आने लगेगा, रीजनिंग अपने आप आने लगेगी, मैथ अगर आपका तेज है तो आप जीएस बहुत तेज याद कर लेंगे सर। अब मैं यही मैथ्स बेसिकली माइंड शार्प कर देता है, शार्प कर देता है। और सर बहुत से लड़कों का यही प्रॉब्लम रहता है कि मैथ नहीं आता है, लड़कियों को प्रॉब्लम रहता है कि मैथ नहीं आता है, लेकिन सभी छात्र छात्राओं को मैं यही कहूँगा कि मैथ पे अगर फोकस हो गया, अब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है सर पूरा नंबर दिलाता है सर, दिल्ली पुलिस में सर मेरा एक भी मैथ गलत नहीं था, फायरमैन में सर मैं 95 नंबर पाया हूँ, मैथ के एक गलत नहीं था, रीजनिंग एक नहीं गलत था, जीएस यूएस तो सर आप कितना भी पढ़ो स्कोर हो ही नहीं पाता है। Correct. अगर सब्जेक्टली आ गया तो ठीक है, करेंट आप कितना पढ़ेंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग अंत नहीं है ना, जीएस अंत नहीं है। और मैथ अगर एक बार आप कंप्लीट कर लिए बैच, कोई भी बैच ले लीजिए, आप आदित्य सर का बेसिक से पढ़ाते हैं, टाइम लगेगा 6 महीने का, 3 महीने का, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। अगर आप टाइम देके एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप हमसे चाहे जो कहिएगा, मैं कहूँगा गारंटी लेता हूँ। अगर आप मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे नहीं तो नहीं होगा, कंप्लीट कर लेंगे मॉक दे लेंगे, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो बताइएगा, और सब सब्जेक्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। अगर आप मैथ तैयार कर लिए, रीजनिंग एक भी गलत नहीं होगा, सब आपका लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे जो हो, सब मैथ पे डिपेंड करता है। सर मैं रीजनिंग कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, बस प्रैक्टिस करता था और मैथ है ही नहीं, रीजनिंग में कुछ भी नहीं है ऐसा कि कुछ नहीं है सर। अगर कोई ठान ले तो रीजनिंग तो सेल्फ ही प्रिपेयर कर सकता है, उसमें कुछ है ही नहीं। वही सर, यही मैं कहूँगा इन लोगों को मोटिवेट, मैं यही करता हूँ कि सर वही हताश निराश ना होइए, आपका सिलेक्शन होगा, आने वाली वैकेंसी बहुत है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई है, रेलवे में भी बहुत वैकेंसी आएगी, 2024 का सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, वैकेंसी बहुत आएगी, अब एक ही मुद्दा है रोजगार का, और रोजगार सबको मिलेगा, बस आप लोग अपनी तैयारी में धार लाइए, अगर आपकी तैयारी मजबूत रहेगी तो नौकरी पा जाएंगे, नहीं तो कितनी वैकेंसी आएगी और जाएगी, आप लोग बैठे रहेंगे। और आप लोग तैयारी करिए, सर से जुड़े रहिए, सर बहुत मेहनत करते हैं, आज इतने अच्छे पद पे हैं सर, इतना सब कुछ है, लेकिन तब भी सर 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होगा कि अगर सर इतना कर सकते हैं, मैं इनसे 1 घंटा 2 घंटे कम ही करूँगा लेकिन मैं मेहनत करूँगा, और गारंटी अगर आप सब सर का हाफ ही 50% कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब इतनी टफ नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होता तो चलो ठीक है, तुक्के से नौकरी लग गई, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, और मैं यही बताऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब उतना टफ नहीं है जितना सर का मेहनत टफ है। इस लेवल पर पहुँच के अगर कोई बंदा इतना मेहनत करता है तो बहुत अच्छी और बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए उससे, और आप लोग इन्हीं सब चीज़ों से सीखिए और फालतू के चक्कर में ना पड़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता दिया हूँ, वैकेंसी बहुत आने वाली है, आप लोग बस निरंतर प्रयास करिए।
सर यही मोटिवेशन मैं सबको देता हूँ, चाहे मेरा वो खास रहे छोटा भाई रहे, जो मैं मुझसे जितना होता है सर मैं मदद करता हूँ। आप लोग सेलेक्ट हो, बस अंतर इतना है कि आप एक कदम दूर हो, बस उसी लाइन को क्रॉस करना है। जिस दिन क्रॉस कर लोगे, बिल्कुल सही, सफलता एक बार लगेगी तो सबकी नज़र में आप अच्छे हो जाओगे। हमको भी बहुत लोग सुनाते थे, अब सर आज वो लोग हमसे सर बात करते हैं जिससे सर उम्मीद नहीं थी कि कभी ये भी फ़ोन करेंगे। बताऊँ सर, मैं बहुत मेहनत करता था सर, और लेकिन लोगों की बातें सुन के, ताने सुन के सर मैं बहुत हताश हो जाता था। सबके लाइफ में होता है, आप लोगों की भी होता होगा, लेकिन आप लोग निराश ना होइए। अगर आप कोई भी एग्जाम, वही तो परीक्षा है, वही है कि जब आपका समय बुरा हो, हाँ, जब आप फाइनेंशियली कमजोर हो, तो वही समय है जो आपको मजबूत बनाता है, और वही परीक्षा है आपकी। वही जो उस परीक्षा को पास कर लेगा वो जीवन भर सुखी रहेगा, सुखी और सफल रहेगा, वो जीवन जीने सीख जाता है, जीवन जीना सीखते है, पार्ट ऑफ लाइफ है कि आपको सीखना, मजबूत वही स्थितियां बनाएंगी। और सर मैं एक बात बताऊं तो मैं यही सोचता हूं, जिसके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है, जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से है, उसको बहुत अच्छा है, उसको मोटिवेट होना चाहिए कि हमको संघर्ष करने का मौका मिला सर। एक बार आप सर बहुत अच्छे घर के लड़कों को देखेंगे, वो करेंगे तो वो लोग नहीं उतना पढ़ पाते हैं, वो हम लोगों को मतलब जब देखते थे ना तो लोग ये सोचते थे कि साथ काश मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से होता, हमको ऐसे ज़िंदगी जीने का। सर मैं प्रयागराज में रहता था सर, जो रूम था मेरा वो रूम नहीं था सर, मैं किचन में रहता था, 1000 रुपये रूम रेंट था, मैं अकेले रहता था, पार्टनर मेरा पार्टनर भी था साथ में, एक यादव लड़का यूनिवर्सिटी से बीएससी करता था, उसका सर सिलेक्शन हमसे पहले हो गया था, उसके बाद से मैं कोई पार्टनर नहीं रखा, उसके बाद मैं अकेले रहा उसी रूम में सर। मैं रात को सर मतलब बहुत डिमोटिवेट हो जाता था, पढ़ते पढ़ते 1-2 बज जाता था मॉक देते देते, तो लास्ट में सर मैं आपका मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते सो जाता था, फिर सुबह उठता था सर नई एनर्जी के साथ, फिर वही सर नॉर्मल एक स्टूडेंट लाइफ में चने भिगोता था सर, चाय हुई तो मैं ज़िंदगी में नहीं पिया हूँ सर, वही चना खाता था, फिर पढ़ने लगता था। मैं लाइब्रेरी वाइब्रेरी कहीं नहीं गया हूँ, अगर आपको लगता है लाइब्रेरी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो आप लोग जाइए पढ़िए, मेहनत करिए, लेकिन रूम में भी अच्छी पढ़ाई होती है, आप लोग बस अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो आप लोग जंगल में भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी सफलता पा सकते हैं, और जब से ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है सर तो आप देश के कहीं कोने में भी बैठ के कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आप तो सर डालते थे भी थे लड़कों का फोटो, कोई खेत में पढ़ रहा है पानी लगा के, कोई कहीं पढ़ रहा है, वही सब मोटिवेशनल है और क्या, मोटिवेशनल बहुत। आप मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, एक एक से अच्छे मोटिवेटर हैं, तो उनसे कोई मतलब थोड़ी, वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए मोटिवेशन ये है जो सर के पास है, जो हम लोगों के पास है, जो मतलब हम लोग इस फेज से गुजर चुके हैं बिल्कुल। हम एक एक बात बताएं आपको, मतलब आप लोग जो कर रहे हो उसी फेज से हम गुजरे हैं, और सर भी कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट लाइफ में उसी फेज से गुजरे हैं, सबका रास्ता वही है, तब वहीं से गुजर के आज यहाँ तक आए हैं। आप लोग भी एक दिन जाओगे तो क्यों इतना निराश हताश होते हैं, आप लोग कभी डिमोटिवेट ना होइए, आप लोग मेहनत करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। वेरी गुड, आओ एक गिफ्ट देते हैं हमारी तरफ से, हाँ छोटा सर, सा कुछ विनर्स का हमको मिल जाएगा तो लगेगा ना कि मैं एकेडमी में गया था सर। आ जाओ, मैं तो यही सोचता था कि सर एक बार आपसे मुलाकात हो जाएगी, हाँ। सर और मैं अब इंदौर में रहूंगा सर, 3 महीने का ट्रेनिंग से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा, अभी सर थोड़ा पेट भी निकल गया घर पे था, अभी ट्रेनिंग में सब बराबर कर देंगे। सर नंबर दे देंगे तो सर जुड़े रहेंगे, कभी करियर में कुछ उतार चढ़ाव आया तो आपसे बात हो जाएगी सर। 7000 आपका पर्सनल नंबर है? हाँ पर्सनल नंबर है। ठीक है सर, जी रहे सर, चले सर, चलो बिल्कुल बिल्कुल।